Hey, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे सोनू सिंह YouTube चैनल पर एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जनरल फिटर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। एक चीज क्लियर कर दूं कि जनरल फिटर, मैकेनिकल फिटर और मैकेनिकल टेक्नीशियन, ये तीनों लगभग सेम ही जॉब प्रोफाइल होते हैं। इन सब के इंटरव्यू में लगभग एक ही प्रकार का क्वेश्चन आंसर्स पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले एक डिस्क्लेमर जान लो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन सीखने की क्षमता रखना, थोड़ी सी सबर जरूर कर लेना। ये वीडियो लगभग एक घंटे की होने वाली है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले जो बात करूंगा वो आपके सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। उसके बाद आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी स्टैटिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें हम रिफाइनरी में काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली कुछ यूनिट्स और टूल्स से रिलेटेड हम बात करेंगे। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको मैं एक PDF प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सारे सवाल और जवाब आपको लिखे हुए मिलेंगे। जब भी आप इंटरव्यू के दौरान जाएंगे तो आपको आसानी से रिवाइज करने में मदद होगी। जैसे ही वीडियो खत्म होता है मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस पूरे वीडियो का PDF भी अवेलेबल होगा। तो ये PDF कहां से मिलेगा, कहां से आपको डाउनलोड करना है, ये इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे जनरल फिटर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। देखिए, जनरल फिटर जो होता है एक बहुत ही डिमांडिंग ट्रेड है आने वाले समय में, या फिर अभी भी है। जब भी आप देखिए मैकेनिकल फिटर कह लें, या फिर मैकेनिकल टेक्नीशियन कह लें, या फिर जनरल फिटर कह लें, ये लगभग सारे ट्रेड का रोल जो होता है वो लगभग सेम होता है। जब भी रिफाइनरीज वगैरह में शटडाउन्स होते हैं ना, तो काफी मात्रा में जनरल फिटर्स का रिक्रूटमेंट होता है। तो अभी आने वाले समय में भी जैसे ही शटडाउन शुरू होता है, शटडाउन का जो महीना होता है वो लगभग सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक लगभग चलता है, मार्च या अप्रैल तक मान के चलिए चलता है। तो इस दौरान हमें काफी मात्रा में मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो हेल्पर के बाद अगर कोई कैटेगरी आती है तो वो जनरल फिटर की आती है। फिर भी इंडिया में काम करने से बेटर है अगर आप बाहर में जाके जनरल फिटर का काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में कितना भी आप मेहनत कर लो, 8 से 10 घंटे आप मेहनत करोगे तो यहाँ पे जो सैलरी होगी आपकी 10-12 हजार रुपये होगी, ज्यादा से ज्यादा 15 हजार रुपये होगी, इससे ज्यादा कोई ना देने वाला। लेकिन यही काम अगर आप बाहर में जाके करते हो तो कम से कम 25 से 30 हजार तो कहीं नहीं गए, और अगर ओवर टाइम चल गया, आपका किस्मत अच्छा है, तो 40 हजार तक आराम से आप कमा लोगे। तो देखिए, अभी शटडाउन जितने भी हैं उनका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। थोड़ा सा ये साल हमारे लिए बहुत बुरा रहा, जिसमें COVID-19 के चलते हम लोग सब पूरा का पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। फिर भी आने वाले समय में इंटरव्यूज बड़े ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा तैयारी करना है और मौका भी है। आपका जो सिलेक्शन का जो चांस है ना, वो ज़्यादा है, क्योंकि अब पिछले काफ़ी महीनों से कोई भी इंटरव्यूज हुआ नहीं है और आना जाना पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका है आपके लिए। और मैं कुछ गाइड यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊँगा, जिसे देख करके आप आसानी से थोड़ा सा, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप थोड़ा बहुत इतना तो ज़रूर जान जाएंगे कि क्या क्वेश्चंस, क्या सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और आसानी से आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, आसानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरे प्रोसेस को जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए। और लास्ट में मैं आपको इसका एक PDF भी दूंगा, मैं बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको इसका PDF मिलेगा, तो आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा मैं। तो इसके लिए आप शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, बीच में भागिएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है पूरा बेसिक से मैं ले चलने वाला हूं और थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले जो सवाल होता है वो हम सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, कि क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भी हम काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारी सुरक्षा करनी जरूरी है। काम तो होगा, काम होता रहेगा, काम बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है, ताकि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, नहीं तो 2 पैसे कमाने के चक्कर में 4 पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए, और जो भी कंपनी आपको लेके जाती है काम करने के लिए, वो सबसे पहले आपका सेफ्टी ट्रेनिंग करवाती ही करवाती है। बिना सेफ्टी ट्रेनिंग के आप कहीं भी किसी भी कंपनी में चले जाएंगे, आपको काम
करने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है। तो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में, तो चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ सवाल पूछा जाता है सेफ्टी से रिलेटेड। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे और भी इसी प्रकार के जो वीडियोस होती हैं वो आपको आसानी से मिलती रहे, सारी अपडेट मिलती रहे। और यार एक बार वीडियो को शेयर कर दो यार, जब आप देख रहे हो ना तो एक बार शेयर कर दो, जैसे भी शेयर करना हो, फेसबुक पे करना हो, व्हाट्सअप पे करना हो, इंस्टा पे करना हो, जहां करना हो यार, जहां आपका दिल करे ना, जहां मन करे वहां शेयर कर दो यार, आज मानना मत। क्योंकि देखो आपके लिए ना मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार शेयर जरूर कर देना। चलिए, जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेफ्टी से रिलेटेड होता है वो हर कोई यही पहला सवाल करता है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीपीई कह लें, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज पीपीई, यानी पीपीई क्या होता है। कोई भी पूछे, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि पीपीई का मतलब क्या होता है, तो आपको सिंपली इसका फुल फॉर्म बताना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एक तरीके से इसको आप स्वयं सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द पीपीज, यानी आपको पीपीज के नाम बताने हैं, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो आपको नाम जो है बता देना है आसानी से, सेफ्टी शूज, कवरऑल, और उसे बॉयलर सूट भी कहते हैं, सेफ्टी गॉगल्स, हेलमेट, ईयर प्लग, हैंड ग्लव्स। देखिए, जो पीपीज होते हैं वो आपके पाँव से लेकर के सर तक को कवर करते हैं, यानी हर बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित करने के लिए इन पीपीज को बनाया गया है। एक इमेज है मेरे पास, एक फोटो है, जिसके जरिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बॉडी है, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कवरऑल या फिर बॉयलर सूट का यूज़ करते हैं। कभी कभी प्लांट में क्या होता है कि जैसे अचानक फायर हो जाता है, या फिर कोई एसिड वगैरह गिर जाता है, या फिर कुछ भी हो, तो उस नुकसान से आपके बॉडी को बचाता है। ये फायर रेसिस्टेंट भी होता है, जो यानी कि आग प्रतिरोधी जिसको कहते हैं, उस मटेरियल का बना होता है कवरऑल। तो हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए कवरऑल होता है। इसके बाद हमारे चेहरे और आंखों की सुरक्षा के लिए हम गॉगल्स और फेस शील्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे हेड प्रोटेक्शन के लिए, यानी सर के बचाव के लिए, सिर के सुरक्षा के लिए हम हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा हो, अगर आप कभी रिफाइनरी में काम किए हैं या फिर जाएंगे, तो वहाँ पे एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं बॉयलर। तो अगर आप बॉयलर यूनिट में चले गए ना भाई, तो इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि आपके कान के चदरे फट जाएंगे। तो उसके लिए ना हमें हियरिंग प्रोटेक्शन यूज़ करने पड़ते हैं। ज़्यादातर हम इस ईयर प्लग का यूज़ करते हैं, ये ईयर प्लग है, और नहीं तो ये ईयर मफ का भी हम यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल हो, कंपनी में जो अवेलेबल रहता है वो आपको दिया जाता है, इस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। इसके अलावा हमारे हैंड प्रोटेक्शन के लिए, जब भी हम आप काम कर रहे होते हैं, हैमरिंग वगैरह करते हैं या फिर नट बोल्ट ओपन करते हैं, तो अपने हाथों को बचाने के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए हमें हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना होता है। और सबसे खास आपके जो फुट प्रोटेक्शन है, यानी पाँव की सुरक्षा के लिए हमें सेफ्टी शूज भी पहनना होता है। तो ये कुछ हमारे बेसिक पीपीज थे, यानी हमारे बॉडी के सुरक्षा के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए, एक तरह से सुरक्षा कवच इनको कह सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से भी। अगर आप कभी भी काम करने जाएं तो आपको इन सारे बेसिक पीपीज को ज़रूर पहनना चाहिए। बिना बेसिक पीपी के आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे रिफाइनरीज की कंपनीज भी होती हैं ना, सबसे पहला मोटो यही होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, यानी जब भी आप काम करते हैं तो उनको सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आप कभी भी काम करें, आप प्लांट में जाएं, काम करें या ना करें, लेकिन आपको सेफ्टी से रहना है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि सेफ्टी वाले आपको फाइन भी लगाते हैं और आपको बाहर भी कर देते हैं प्लांट से, और आपको अगर रेड कार्ड मिल गया तो आपकी एक सप्ताह के लिए लगभग छुट्टी भी हो जाती है, एक सप्ताह दो सप्ताह तक आप काम कर भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से सेफ्टी के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए पीपीज बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पीपीज के बारे में पूछे तो आप ये देख करके आसानी से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर पीपीज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी आपको चाहिए, तो हमारी वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे
तो पीपीई यूज्ड इन रिफाइनरी करके हमारा एक वीडियो है जिसको आप आसानी से देख पाएंगे। देखिए जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे उससे रिलेटेड अगर पहले मैंने कोई वीडियोस बनाया है तो उसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा, बताऊंगा कि वो कहाँ मिलेगी, वहाँ से जा करके आप एक बार डिटेल में भी देख सकते हैं। ऐसे बेसिक जानकारी तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ देता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एचएसई? एचएससी का मतलब पूछ रहा है, एचएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो एचएससी का मतलब होता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ये बेसिकली सेफ्टी डिपार्टमेंट ही है, सेफ्टी डिपार्टमेंट को ही एचएससी डिपार्टमेंट कहा जाता है, जिसे हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एससीबीए? यानी एससीबीए का मतलब क्या होता है, एससीबीए का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एससीबीए का मतलब होता है सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग अपार्टस। ये क्या होता है, देखिए जब भी प्लांट में कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, जहाँ पे आपको काम करना है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, जैसे जो भी कन्फाइंड स्पेस वगैरह हो गया वहाँ पे काम करने के लिए जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें SCBA सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग अपैरेटस यूज़ करना होता है, या फिर जहाँ पे भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे ब्लाइंडिंग या फिर डी ब्लाइंडिंग करना है और वहाँ पे उस लाइन में टॉक्सिक गैसेस है तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये जो है SCBA का फोटो है जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे देख करके। ये फेस मास्क होता है जिसको लगाना होता है, ये सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है, ये आपका गेज है जो बताता है कि कितना प्रेशर है उसके अंदर, तो और ये सब ये बेल्ट्स होते हैं जिनको आपको लगाना होता है कंधे पे। ये बेल्ट्स जो होते हैं आपको जो SCBA का यूज़ करने के लिए ना आपको ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो आफ्टर ट्रेनिंग आप एबल हो जाते हैं इसको कंटेन करने के लिए, इसको कैरी करने के लिए आपको सारा कुछ बताया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारा कुछ ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप काम करने जाएंगे तो आपको जब सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके बाद आपको ये सारा चीज़ भी धीरे धीरे सिखाया जाएगा। बस आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया है जिसे आप आसानी से देख लेंगे। इसे हम SCBA कहते हैं, सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग अपैरेटस कहते हैं, सिंपली इसको आप ब्रीदिंग अपैरेटस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारा है, हु कैन एंटर इनटू द वेसल टावर हीटर टैंक्स? बेसिकली जो भी हमारा स्टैटिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर कौन एंटर कर सकता है, कौन काम कर सकता है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो बड़ा ही सिंपल है, किसी भी स्टैटिक इक्विपमेंट के अंदर काम करने के लिए आपके पास वैलिड और ऑथोराइज्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री होल्डर कार्ड होना चाहिए, यानी कन्फाइंड स्पेस कार्ड होना जरूरी है किसी भी स्टैटिक इक्विपमेंट के अंदर काम करने के लिए। देखिए अब ये होता क्या है, ये कैसे मिलता है, तो इसके लिए बेसिकली एक टेस्ट होता है, वही मैं आपको बताया कि ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसके अंदर कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको आंसर देना होता है, जिसके दौरान रिजल्ट अगर आपका आता है, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट में भी अगर पास हो गए तो आपको फिर से ये कार्ड दे दिया जाता है। उसके बाद आप किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, किसी भी वेसल में, टावर में, हीटर में या फिर टैंक में आप काम करने के लिए ऑथोराइज्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वैलिड और ऑथोराइज्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री कार्ड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन वर्क एज अटेंडेंट फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री? यानी जो भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री में जो काम करने जाते हैं, जैसे जो भी किसी भी हीटर के अंदर या फिर टावर के अंदर जो आपके पास कन्फाइंड स्पेस कार्ड है, आप काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ बाहर में जो एक अटेंडेंट खड़ा होता है वो अटेंडेंट कौन हो सकता है? अगर आप किसी भी टावर में काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका अटेंडेंट है ये कौन हो सकता है, कौन यहाँ पे रह करके अटेंडेंट का काम कर सकता है? तो उसके पास भी वैलिड और ऑथराइज्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री कार्ड होना चाहिए, तभी वो बंदा अटेंडेंट का काम कर सकता है। अटेंडेंट का काम क्या होता है, बेसिकली अटेंडेंट का काम होता है कि जो भी अंदर में कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करके जो भी बंदा काम कर रहा है उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना, ताकि उसको कोई अंदर दिक्कत तो नहीं है या फिर क्या चीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर वो SCBA यूज़ कर रहा है तो उसका सिलेंडर अगर बाहर है तो वो भी आपको देखना होता है कि उसमें कितना गैस है, क्या है, कैसे है, तो वो सारा कुछ आपको
देखना होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अटेंडेंट की होती है, इसलिए उसके पास भी एक वैलिड और ऑथराइज्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री कार्ड होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग? हाउसकीपिंग का क्या मतलब होता है? देखिए ये सारे सवाल ना आप एक जहन में बिठाते जाइएगा, ऐसा ना सोचिएगा। देखिए भाई मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा बेसिक मोटो वही है कि जो लोग फ्रेशर्स हैं या फिर जो लोग नए लोग हैं या फिर जो पुराने भी हैं लेकिन कुछ सीखने की ललक रखते हैं, क्योंकि देखो यार ऐसा है ना कि जब तक आपके मन में घमंड हो जाएगा ना कि नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तब तक इंसान कभी कुछ सीख नहीं सकता। अगर आपको सीखना है ना तो वो आपको, देखो कहा जाता है कि दिमाग और पैराशूट एक ही तरह होते हैं, ये तभी काम करते हैं जब ये खुले हों। तो आपका दिमाग तभी काम करेगा जब आप उसको, अपने जो ईगो है ना उसको अलग रख के आओगे। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से देखो कि चलो हो सकता है कुछ नया सीखने को मिल जाए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कुछ ना कुछ सीखोगे। मैं क्या कह रहा था, ये सवाल था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग, यानी हाउसकीपिंग क्या होता है। तो देखो यार, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट ऑपरेटिंग एरिया, यानी जिस भी प्लांट में आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर कोई ऐसा मटेरियल पड़ा है, ऐसा चीज पड़ा है जिसकी हमें वहाँ पे जरूरत नहीं है, उस चीज को वहाँ से हटाने के प्रोसेस को ही हाउसकीपिंग कहते हैं। सपोज आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास एक ये होस पड़ा हुआ है, सपोज आप प्लांट में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे एक होस पड़ा हुआ है, जैसे तैसे पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा है, आप यहाँ से जा रहे हैं काम करने के लिए, जा रहे हैं आप उधर, कहीं आपका ध्यान इधर उधर है और आपका पैर इसमें फंस गया और आप क्या करिए, स्लिप कर गए, तो यहाँ पे नुकसान क्या होगा, चोट आपको पहुँचेगी। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम प्लांट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो कि अनवांटेड मटेरियल्स है, जिनका ज़रूरत नहीं है हमें प्लांट के अंदर, तो उसको वहाँ से हटा करके उसके प्रॉपर स्थान पे रखने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप एक बार समझ लीजिए और कि हाउसकीपिंग क्या है, कि जो भी अनवांटेड मटेरियल है उनको ऑपरेटिंग प्लांट एरिया से हटाने का प्रोसेस ही हाउसकीपिंग कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि व्हेन यू विल यूज सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस, यानी जो सेफ्टी हार्नेस होता है या फिर सेफ्टी बेल्ट होता है वो हमें कब यूज करना चाहिए, या आप कब यूज करेंगे सेफ्टी बेल्ट को? तो सिंपल सा इसका आंसर है वर्किंग एट हाइट, यानी जब भी आप हाइट पे काम करें, जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम करें या फिर जब भी आप टावर पे काम करें, तो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना बिल्कुल ही जरूरी है। क्योंकि देखिए खुदा ने खास्ता अगर आप स्लिप कर जाए तो उससे फायदा क्या होगा कि आप हैंगिंग पोजीशन में रह जाएंगे। अगर यहाँ पे सपोज आप हाइट पे काम कर रहे हैं, ये बेस है आपका, ये बेस है, यहाँ से आप हाइट पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपने सेफ्टी बेल्ट अपना हुक किया हुआ है, अगर यहाँ से अगर आप स्लिप भी करते हैं तो आप हैंगिंग पोजीशन में रहेंगे, यानी आपको चोट नहीं लगेगा। नहीं तो होता क्या है, अगर आप नीचे गिर जाते हैं तो काफ़ी चोट पहुँच सकती है। तो इसलिए हमें जब भी हाइट पे काम करना हो तो हमें सेफ्टी बेल्ट यूज करना चाहिए। एक फोटो आपको दिखाता हूँ सेफ्टी बेल्ट का, ये देखिए सेफ्टी बेल्ट या फिर सेफ्टी हार्नेस कहते हैं, यानी फॉलिंग प्रोटेक्शन के लिए हमें सेफ्टी हार्नेस यूज करना चाहिए। फॉलिंग प्रोटेक्शन क्या है, यानी गिरने से बचने के लिए हमें सेफ्टी हार्नेस का यूज करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन थिंग रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द जॉब, यानी जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या जरूरी चीज होता है। सबसे पहला चीज, आपके पास परमिट होना चाहिए और सेकंड SMT इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जो भी आपका मेंटेनेंस सुपरवाइजर है उसका इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बिना उसके इंस्ट्रक्शन के आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि आपको कब काम स्टार्ट करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सारा कुछ एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है। वो जब तक चेक नहीं करता है तब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे, और काम स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक परमिट भी होना जरूरी है, एक वर्क परमिट होना चाहिए, तभी आप प्लांट एरिया के अंदर जाके काम कर पाएंगे। और ये परमिट होता क्या है, परमिट के अंदर आपको लिखा होता है कि क्या जॉब है, क्या काम करना है, आपको परमिट से पता चलता है। इसके अलावा किस यूनिट में काम है, ये भी उस परमिट में लिखा हुआ होता है। इसके अलावा
उस पे ऑपरेशंस वगैरह के साइन होते हैं जो आपको इंश्योर करते हैं कि काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। गैस टेस्ट वगैरह भी उस पे लिखा हुआ होता है कि हाँ गैस टेस्ट हो चुका है, या फिर जितने भी CTRA वगैरह भी उसके साथ अटैच होता है जिसे क्रिटिकल टास्क रिस्क असेसमेंट कहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी इस वर्क परमिट के साथ अटैच्ड होते हैं। तो बिना वर्क परमिट के आपको काम नहीं करना है, और वर्क परमिट है भी तो एक बार आपके जो मैकेनिकल सुपरवाइज़र हैं, मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइज़र हैं, SMT जिसको कहते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल हमारा है कि इन केस ऑफ HC लीक और फायर व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन। देखिए समझिएगा, HC का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, यानी अगर प्लांट में कोई हाइड्रोकार्बन लीक कर गया या फिर कहीं पे अचानक से फायर हो जाता है, आग लग जाता है, तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे? देखिए, आप एज अ जनरल फिटर काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप तो किसी को बुलाने जाओगे, या फिर कहीं फ़ोन करोगे, या फिर यूज़ करोगे किसी भी फायर रेसिस्टेंस का, फायर एक्सटिंग्यूशर का? नहीं, सबसे पहला काम आपका जो होता है वो आप क्या करोगे कि इन्फॉर्म टू SMT, यानी जो भी मैकेनिकल मेंटेनेंस सुपरवाइज़र है आपका, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, उसको आपको सबसे पहले इमीडिएटली क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कोई भी HC लीक हो रहा है या फिर कहीं पे भी फायर का होता है, यानी अपने SMT को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। इंटरव्यूअर सिंपली आपसे पूछेगा कि अगर HC लीक हो गया या फिर फायर हो गया प्लांट में तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपल बताएंगे कि इमीडिएटली हम अपने मेंटेनेंस सुपरवाइजर को बताएंगे। अगला सवाल है, What are the things need to be checked before working on a scaffold? यानी जब भी आप scaffolding पे काम करने जाएं तो उससे पहले आपको किन चीज़ों की चेक करने की ज़रूरत होती है, क्या चेक करना होता है? तो इसका सिंपल आंसर है ग्रीन टैग एंड एक्सपायरी डेट। यानी जब भी आप scaffolding पे काम करने जाएं, आपको एक फिगर दिखाता हूँ मैं scaffolding की, क्योंकि देखिए स्कैफोल्डिंग पे काम करना थोड़ा खतरा होता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप स्कैफोल्डिंग पे काम करने जाएं तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रीन टैग लगा होता है, तो उस ग्रीन टैग को आपको चेक करना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। उसमें डेट दिया होता है कि इस डेट से इस डेट तक ये वैलिड है, तो वो डेट भी आपको चेक करना होता है। इस प्रकार आपको ग्रीन टैग और एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है किसी भी स्कैफोल्डिंग पे काम करने से पहले। चलिए, ये हमारा जो बेसिक सवाल था ये सेफ्टी से बेसिक सवाल थे सारे। अगला सवाल हमारा जो है इक्विपमेंट से है, यानी जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। लिस्ट आउट द इक्विपमेंट्स ऑन विच यू हैव वर्क्ड। यानी अगर आप देखिए बाहर अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको काम किया हुआ होना चाहिए, तो इंटरव्यूअर सिंपली आपसे यही पूछेगा कि आपने क्या काम किया है या कहां कहां काम किया है, किस किस इक्विपमेंट में काम किया है। ये वही सवाल है, लिस्ट आउट द इक्विपमेंट्स ऑन विच यू हैव वर्कड, यानी आप किन किन इक्विपमेंट्स में आपने काम किया है उसका नाम बताइए। तो आप जिस जिस स्टैटिक इक्विपमेंट में काम किए हैं उन सब के नाम आप बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हीट एक्सचेंजर, आप बता सकते हैं अगर आपने काम किया है, वेसल बता सकते हैं, डिस्टिलेशन टावर या फिर जिसे कॉलम कहते हैं उसका नाम बता सकते हैं, टैंक हो सकता है, हीटर के अंदर आप काम कर सकते हैं, कूलर्स का आपने काम किया हो जैसे फिन फैन कूलर्स जो होता है जिसे एयर कूलर भी कहते हैं, इसके अलावा कूलिंग टावर्स में हो सकता है आपने काम किया हो या फिर रिएक्टर में काम किया हो, यानी जिस भी स्टैटिक इक्विपमेंट में आपने काम किया है सिंपली आपको उसका नाम बताना है। देखिए यहाँ पे एक मेरी वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है कि किन किन स्टैटिक इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसके बारे में मिल जाएगा। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है या उसमें क्या काम किया है आपने, तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने बेसिक में थोड़ा थोड़ा जानकारी दी है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का लिंक आपको या तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सिंपली प्लेलिस्ट में चले जाइए ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, लिस्ट आउट एनी टू टाइप ऑफ पाइप फिटिंग्स। यानी किसी भी दो पाइप फिटिंग के नाम आपको बताने हैं। पूछ दो ही रहा है कि
कि केवल दो फिटिंग्स के आपके नाम बता दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता है। तो आप सिंपली फ्लैंज बता सकते हैं और कपलिंग बता सकते हैं, कोई भी दो आप नाम ले सकते हैं, एल्बो बता सकते हैं, निप्पल बता सकते हैं, टी या फिर रिड्यूसर बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी दो पाइप वगैरह को कनेक्ट करने के लिए इन फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो डिटेल में जानकारी चाहिए तो एक बार देख सकते हैं कि किन किन फिटिंग्स का यूज़ हम करते हैं बेसिकली। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका टी है, ये एल्बो है, इसको क्रॉस कहते हैं, ये एंड कैप है, ये यूनियन है। तो इस तरीके से पूरे डिटेल में जानकारी अगर आपको थोड़ा बहुत चाहिए तो इस वीडियो को भी प्रेफर कर सकते हैं। देखिए ये बेसिक सारे क्वेश्चन आंसर हैं मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा और जानकारी आपको चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है इंटरव्यू में कुछ घुमा के अगर क्वेश्चन कर दिया जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत और बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, ये ख़त्म होने के बाद आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, अगर लगेगा आपको कि हाँ मुझे देखना चाहिए तो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर फ़ायदा लगता है आपको तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे और भी इसी प्रकार की जब हम वीडियोज़ लाएँ तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब करने में यार कंजूसी मत करना, और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो देखते देखते शेयर एक बार ज़रूर कर दो ताकि और भी जो हमारे दोस्त हैं उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। अगला हमारा सवाल है, लिस्ट आउट एनी टू टाइप ऑफ वाल्व्स, यानी आपको किसी भी दो वाल्व के नाम बताने हैं। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे वाल्व हैं लेकिन पूछा जा रहा है दो ही वाल्व के नाम, तो आप किसी भी दो का नाम बता सकते हैं। जो बेसिक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वाल्व होता है गेट वाल्व होता है, इसके बाद आप ग्लोब वाल्व का नाम बता सकते हैं, बटरफ्लाई बता सकते हैं, प्लग वाल्व बता सकते, बॉल वाल्व बता सकते हैं, नीडल वाल्व के बारे में बता सकते हैं, एक NRV भी होता है जिसके बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप वो बता सकते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व जिसको कहते हैं, इसके बाद एक कंट्रोल वाल्व होता है उसके बारे में भी बता सकते हैं, बहुत सारे वाल्व होते हैं। अगर वाल्व के बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी चाहिए तो इससे भी रिलेटेड आपके पास वीडियो मिल जाएंगी कि रिफाइनरी में वाल्व से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। उस अगर केवल क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखना है तो उसके लिए भी वीडियो है, या फिर वाल्व से भी रिलेटेड वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में एक बार जाएं तो सही, एक बार देखिए तो कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। पहले इस वीडियो को कम्प्लीट कीजिए, उसके बाद ये सारे एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। जो भी वीडियोज़ हैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, इन विच इक्विपमेंट ट्रेज वेयर फिटेड, यानी जो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें हम ट्रे लगाते हैं। तो अगर आपने काम किया है तो आपको पता होगा, फटाफट आप बता दो कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें हम ट्रे यूज़ करते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि जो डिस्टिलेशन कॉलम है यानी जो टावर है, उस टावर में हम ट्रे का यूज़ करते हैं। ट्रे बेसिकली करते क्या है, ट्रे जो है हमारे डिस्टिलेशन में मदद करते हैं। जो भी हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, उसके रेट को बढ़ाते हैं, उसको रिफाइनिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो इसलिए ट्रेज वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। ट्रे के अलावा कुछ पैकिंग्स भी यूज़ होती हैं, अगर उसके बारे में भी देखना है तो कॉलम का एक वीडियो है जिसमें कॉलम के टाइप्स और उसके इंटरनल्स के बारे में बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, लिस्ट आउट एटलीस्ट टू टाइप ऑफ ट्रे यूज्ड इन टावर्स, यानी टावर के अंदर यूज़ होने वाले किसी भी दो ट्रे के नाम बताइए। आप बता सकते हैं वाल्व ट्रे, सीव ट्रे बता सकते हैं, इसके अलावा आप बबल कैप ट्रे या फिर चिमनी ट्रे भी बता सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है केवल दो ही इंटरव्यू में, तो आप किसी दो ही का बताएं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे जैसे जैसे सवाल पूछा जाए वैसे ही जवाब दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं करना है हमें, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है इंटरव्यू के दौरान, नहीं तो इंटरव्यूअर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आपको कब मना कर दे। इसलिए जितना पूछा जाए ना उतना ही बताने की ज़रूरत है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रेज हमने बताया, वाल्व ट्रे बताया, बबल कैप ट्रे बताया, चिमनी ट्रे बताया, सीव ट्रे बताया, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो भी पहले इससे पहले इस वीडियो से पहले जितनी भी सारी वीडियोस बनी हैं अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब देखिए जैसे डिस्टिलेशन कॉलम एंड इट्स पार्ट्स, इसमें जो भी टावर के अंदर क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, कौन कौन सा कॉलम के अंदर ट्रे यूज़ होता है, क्या क्या होता है और क्या क्या पार्ट्स होता है, ये सारे चीज़ उसमें दिए गए हैं। तो इसको आप एक बार रेफर करना है, एक बार देखना ज़रूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, इन विच इक्विपमेंट डेमिस्टर पैड इज फिटेड, यानी डेमिस्टर पैड जो होता है वो किस इक्विपमेंट में फिट किया जाता है।
तो इसका सिंपल आंसर है वेसल एंड टावर्स। जो भी हमारा वेसल होता है या फिर टावर होता है उसमें हम डेमिस्टर पैड यूज करते हैं। डेमिस्टर पैड बेसिकली क्या होता है कि जहां पे भी हमारा टॉप सेक्शन होता है उस टॉप सेक्शन में डेमिस्टर पैड को यूज किया जाता है। अगर डेमिस्टर पैड के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ऐसे भी बता दूंगा, और या फिर इस पे अगर वीडियो पॉसिबल हुआ तो वीडियो बना के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा सवाल है, लिस्ट आउट एनी टू टाइप ऑफ फ्लैंज ज्वाइंट गैस्केट। यानी जब भी हम फ्लैंज को ज्वाइंट करते हैं तो उसके बीच में जो गैस्केट लगता है उनमें से किसी दो गैस्केट का आपको नाम बताना है, ज्यादा नहीं दो का ही बताना है। तो चलिए, यहाँ पे आप बहुत सारे नाम हैं जिसमें से आप दो नाम कोई बता सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो स्पाइरल और मेटालिक गैस्केट यूज होता है, और दूसरा आरटीजे गैस्केट यूज होता है, रिंग टाइप ज्वाइंट गैस्केट जिसको कहते हैं। उसका शेप की अगर बात की जाए तो ओवल होता है और ऑक्टागोनल शेप, दोनों में से कोई एक शेप होता है। देखिए गैस्केट होता क्या है, बेसिकली गैस्केट वैसे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अगर आप फ्रेशर है तो आपको मैं बता दूं गैस्केट क्या होता है। गैस्केट एक मैकेनिकल सीलिंग एलिमेंट होता है। जब भी हम दो फ्लैंज को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस कनेक्शन से, उस जोड़ से कोई मटेरियल या फिर कोई फ्लूड लीक ना हो, तो उसके लिए हमें, जैसे ये दो फ्लैंज हो गया, इसके बीच में हम गैस्केट लगाते हैं, तो ये क्या करता है कि दोनों को आपस में चिपका देता है, और दोनों आपस में चिपक जाएंगे तो इसमें जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो लीक नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है, एक सीलिंग एलिमेंट है गैस्केट। तो हम बात कर रहे थे गैस्केट के बारे में, तो यहाँ पे हमने बताया स्पाइरल और मेटालिक गैस्केट आप बता सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा और काफ़ी यूज होने वाला गैस्केट है। इसके बाद ग्रेफाइट गैस्केट है, टेफ्लॉन गैस्केट है, रबर गैस्केट भी यूज होता है, इसके अलावा आरटीजे हमने बताया ही। तो इस तरीके से बहुत सारे गैस्केट्स यूज किए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डीपी, यानी डीपी का मतलब क्या है, डीपी क्या होता है। तो डीपी का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं कि डाया पेनिट्रेंट टेस्ट होता है। अब देखिए डाया पेनिट्रेंट टेस्ट क्यों होता है या फिर क्यों जरूरी है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि जब भी मेंटेनेंस होता है तो उस समय क्या किया जाता है, जितने भी पाइप्स होते हैं, जो हाई प्रेशर पाइप होते हैं, उनके थिकनेस को चेक किया जाता है, यानी डाया को चेक किया जाता है कि डाया कहीं कम तो नहीं हो गया है या कमजोर तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो डाया पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, वो उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे थिकनेस कम हो गया है, कहाँ पे कमजोर हो गया है पाइप। तो जो भी पोर्शन कमजोर होता है उसको काट करके निकाल दिया जाता है और एक नया पाइप वहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है। तो इसलिए ही डाया पेनिट्रेशन टेस्ट करना जरूरी भी होता है, और डीपी का मतलब आप समझ गए होंगे कि डीपी का मतलब होता है डाया पेनिट्रेंट टेस्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच लिक्विड इज बीइंग यूज्ड फॉर हाइड्रो टेस्ट, यानी जब भी आप हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो किस लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज से आप हाइड्रो टेस्ट करते हैं। सिंपल सा इसका आंसर है कि वाटर, यानी वाटर से हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं। अगला सवाल है, विच गैस इज बीइंग यूज्ड फॉर न्यूमेटिक टेस्ट, यानी देखिए जो भी टेस्ट होता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट किया जाता है, एक न्यूमेटिक टेस्ट किया जाता है। जो टेस्ट होता है उसको दो तरीके से किया जाता है, पहला हाइड्रो टेस्ट जिसके बारे में हमने बात किया, उसमें जो मीडियम यूज होता है वो वाटर का यूज होता है। उसी तरीके से जो अगर आप न्यूमेटिक टेस्ट करेंगे किसी भी इक्विपमेंट का, तो उसमें हम जो मीडियम यूज करेंगे वो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है कि जब भी आप न्यूमेटिक टेस्ट करेंगे तो किस मीडियम का यूज करते हैं, तो आपको सिंपली आंसर देना होता है नाइट्रोजन का। अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एनआरवी, यानी एनआरवी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, एनआरवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है एनआरवी का फुल फॉर्म जो है वो नॉन रिटर्न वाल्व है। देखिए नॉन रिटर्न वाल्व आप फिगर तो देख ही पा रहे हैं, नॉन रिटर्न वाल्व का फंक्शन क्या होता है, इसका जो फ्लो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर यहाँ पे फ्लूड जा रहा है, इधर से एंटर कर रहा है, तो ये इधर से निकल तो जाएगा लेकिन ये वापस कभी नहीं आएगा, यानी वापस नहीं आएगा, यानी वन वे, यानी वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, जिसे हम एनआरवी कहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीएसबी एंड पीआरवी, यानी पीएसबी और पीआरवी का फुल फॉर्म आपको बता देना है। तो पीएसबी का मतलब होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व, और पीआरवी का मतलब होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। देखिए ये बेसिकली दोनों क्या है, सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसी भी स्टैटिक इक्विपमेंट में जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस इक्विपमेंट में हम इस सेफ्टी वाल्व को इम्प्लांट करते हैं। इस सेफ्टी वाल्व से होता क्या है
कि जब भी प्रेशर ज्यादा होगा तो ये एक्सेस प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा, इससे हमारा जो नुकसान हो सकता था वो बच जाता है। किसी भी इक्विपमेंट में, जैसे आप मान लीजिए कि वेसल है, वेसल में एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है किसी भी प्रॉब्लम के चलते, या तो फायर हो गया या फिर हाई प्रेशर जनरेट हो गया किसी भी कारण से, तो पीएसबी का क्या काम रहेगा कि ये पीएसबी अपना रोल, इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है इसका, उसको परफॉर्म करता है और जो भी एक्सेस प्रेशर है उस प्रेशर को रिलीज कर देगा। उस प्रेशर को रिलीज करने से क्या होगा कि ये जो इक्विपमेंट था अपने फिर इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन में काम करेगा। नहीं तो अगर इस तरीके से अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है, फट भी हो सकता है, फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार पीएसबी ना काम करने से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है हमारे इस रिफाइनरी इंडस्ट्री को, तो इसलिए पीएसबी का इस्तेमाल बड़े ही सावधानी से करना चाहिए। अब देखिए इसमें पीएसबी और पीआरबी में अंतर क्या होता है, तो इसके लिए एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप चेक करिएगा कि पीएसबी और पीआरबी में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपको पता चलेगा वहां से। तो आपको बेसिक जानकारी अगर जानना है पीएसबी और पीआरबी बारे में तो एक बार वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा आप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लिस्ट आउट द फास्टनर्स टाइप। फास्टनर्स टाइप का मतलब क्या हुआ, यानी जो भी आप नट बोल्ट हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या क्या यूज़ किया जाता है किसी भी इक्विपमेंट में फास्टनर के यूज़ रूप में। तो फास्टनर्स के टाइप्स की अगर बात की जा रही है तो आप नट बोल्ट को बता सकते हैं, नट बोल्ट के अलावा आप स्टड बोल्ट्स की बात कर सकते हैं, एलन हेड बोल्ट्स की बात कर सकते हैं। देखिए एक फिगर के द्वारा मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि ये देखिए मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर है। ये सारे फास्टनर्स हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, और अगर रिफाइनरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ होने वाला बोल्ट है तो ये स्टड बोल्ट है। इसका एक साधारण एग्जांपल आप इसलिए ले सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि दोनों तरफ आपको नट दिखाई दे रहा है, तो जिस तरह से भी पॉसिबल होता है आप खोल करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाला हिस्सा जो होता है फिक्स होता है, मशीन बोल्ट में जो एक हेड होता है वो फिक्स होता है, तो इसे खोलने में हो सकता है अगर ये नट डैमेज हुआ तो खोलने में थोड़ी परेशानी होगी, इसमें कोई ना कोई एक खुल ही जाता है, ठीक है। तो अच्छा मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में अंतर क्या है, तो सिंपल आंसर आप बता सकते हैं अगर पूछा गया कि मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर है। तो मशीन बोल्ट क्या होता है कि यहाँ पे एक तरफ में हेड होता है और एक तरफ में नट होता है, लेकिन अगर स्टड बोल्ट की बात की जाए तो इसमें दोनों तरफ नट ही पाए जाते हैं, इसमें हेड नहीं होता है। अच्छा एक और खास सवाल हो सकता है आपसे कभी कोई इंटरव्यूअर पूछ दे कि नट और बोल्ट में क्या अंतर है, आपको दिख रहा है कि ये बोल्ट है और ये पोर्शन जो है नट है, लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यूअर वहां पे पूछ सकता है कि आखिर कैसे कैसे हम जानेंगे कि ये नट है ये बोल्ट है। तो देखिए ये जो आपका बोल्ट है ना इसमें थ्रेड देखिए, ये जो थ्रेड है आपको फिर से देखिए, ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है ये मेल थ्रेड है, यानी ऊपर की तरफ इसमें थ्रेड कटा हुआ है, तो इसलिए ये स्टड हुआ। और ये जो नट है आपका, इस नट में जो थ्रेड है वो अंदर की तरफ थ्रेड है, यानी फीमेल थ्रेड है। तो फीमेल थ्रेड जब भी जहाँ पे भी यूज़ होगा वो एक तरह से आपका नट होगा, और जहाँ भी ये मेल थ्रेड होगा वो बोल्ट होगा। तो सबसे सिंपल आंसर आपको बताना है, बड़े बड़े एक्सपीरियंस पर्सन भी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे हम बताएंगे कि ये नट है और ये बोल्ट है। तो सिंपल सा आपको आंसर याद रखना है कि जो भी बोल्ट होता है उसमें मेल थ्रेड होते हैं, और जो भी नट होता है उसमें फीमेल थ्रेड होते हैं। ये सिंपल सा आंसर है और सिंपल सा डिफरेंस है नट और बोल्ट के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, लिस्ट आउट एनी टू टाइप ऑफ ब्लाइंड्स, यानी आपको किसी दो ब्लाइंड्स के नाम पूछ रहा है बताना है। देखो यार आप बता सकते हैं कि यहाँ पे स्पेड ब्लाइंड, एंड ब्लाइंड और मॉडिफाइड ब्लाइंड के बारे में आप बता सकते हैं। अब देखिए ब्लाइंड होता क्या है, ब्लाइंड करना क्यों जरूरी है, ये भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। जैसे आपका मान लीजिए ये हीटर है, हीटर में ये आपका कोई लाइन आ रहा है या फिर पाइपिंग सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे कोई फ्लैंज है, ये फ्लैंज है यहाँ पे, और यहाँ से कोई फ्लो आ रहा है हीटर के अंदर। तो अब आप जब भी इसका मेंटेनेंस आपको करना होगा तो मेंटेनेंस के टाइम पे क्या होता है कि ये फ्लो को रोकना पड़ेगा। तो इस फ्लो को हम रोकेंगे कैसे, या तो वाल्व हो, वाल्व के अलावा भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये फ्लैंज होता है ना, ये फ्लैंज के बीच में एक हम ब्लाइंड डाल देंगे, और ये ब्लाइंड डालने के बाद क्या होगा कि इधर का फ्लो अब रुक जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से हम एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं इस इक्विपमेंट को, यानी जो भी हमारा यहाँ पे हीटर था
इसको हमने क्या किया, इस पाइप, इस फ्लो से, ये जो फ्लो इधर आ रहा था इससे हमने आइसोलेट कर दिया, यानी रोक दिया। अब हम आसानी से इस हीटर के अंदर काम कर सकते हैं, इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्लाइंडिंग होता क्यों है, किसी भी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के दौरान उसको आइसोलेट करने के लिए हम ब्लाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्टिकल ब्लाइंड स्पेसर और स्पेड का कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर क्विक ब्लाइंडिंग या डी ब्लाइंडिंग करना होता है। बेसिक सिंपल है कि जब भी हमें ब्लाइंडिंग या डी ब्लाइंडिंग करना होता है, तो अगर क्विक ब्लाइंडिंग या डी ब्लाइंडिंग करना होता है तो हमें इस स्पेक्टिकल ब्लाइंड का यूज़ करते हैं। ये एक तरह से स्पेसर है और ये स्पेड है। तो जब भी आपको ब्लाइंड करना होता है तो ये वाला पोर्शन फ्लैंज के अंदर हम लगा देते हैं, और जब हमारा मेंटेनेंस खत्म हो जाता है, जब भी हमें फिर से चालू करना होता है फ्लो को, तो इस स्पेसर को फ्लैंज के अंदर लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, लिस्ट आउट एनी टू टाइप ऑफ पाइपिंग या पाइप मटेरियल्स, यानी किस धातु से हमारा पाइपिंग बना होता है, किस मटेरियल से हमारा पाइप जो सिस्टम है वो बना होता है। तो सिंपल सा आंसर आपको बताना है, कार्बन स्टील, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में CS कहते हैं, और स्टेनलेस स्टील, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SS कहते हैं। तो ये दो मटेरियल जो होता है सबसे ज़्यादा पाइपिंग में यूज़ किया जाने वाला मटेरियल है, इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल है, जिसे हम CS और SS कहते हैं। इसके अलावा आप एलॉय स्टील भी बता सकते हैं। चलिए अभी तक ये फटाफट आप देखते जाइए, बड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊँ, लेकिन फिर भी देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करके आप आसानी से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ईगो वाली बात मत लाना यार, अपने माइंड से ईगो को निकाल देना एक बार। अगर आप में से बड़े हैं तो छोटा भाई मान के, अगर आप छोटे हैं तो बड़ा भाई मान के इस मेरी रिक्वेस्ट को मान लेना, और आप बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना, एक दो बार देख लेना। मैं आपको पहले भी कहा था और अभी भी बता रहा हूँ, इस जो भी ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसका ये PDF है, मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ मिल जाएगा। इस PDF को आप आसानी से डाउनलोड करके एक बार तैयारी कर लेना भाई, क्योंकि देखो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। और आगे आने वाले समय में अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, तो उस समय जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, जब क्लाइंट क्वेश्चन पूछने लगता है तो हम ऊपर नीचे देखने लगते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। और कुछ पता, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो काम किए हुए होते हैं 2-3 साल, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी, एक बार इंटरव्यू देने जाने से पहले ना 2 मिनट पहले देख लेना यार, और कोई ज़रूरत नहीं, ये PDF डाउनलोड कर लेना। PDF डाउनलोड करने के बाद 2 मिनट पहले देख लेना एक बार, और एक बार रिवाइज़ कर लेना, बस आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल है, टूल्स और यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करते हो, या फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। चलो आप उसको देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, लिस्ट आउट द 2 कॉमन टाइप ऑफ टूल्स, आपसे केवल 2 टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, किसी भी 2 टूल्स का नाम बताएं। तो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके बारे में आप इसमें से कम 2 का नाम बता सकते हैं, जैसे ओपन एंड स्पैनर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, स्लेजिंग और हैमरिंग स्पैनर, पाइप रिंच, एडजस्टेबल स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं यार, लेकिन आपसे 2 पूछा जा रहा है, 3 पूछा जा रहा है, 4 पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर के पास एक किताब होती है, बुकलेट होती है, वो उसी में बहुत सारे फिगर्स लेकर बैठा होता है और पूछ देता है, आपको रिंग स्पैनर दिखा देगा और पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि ये रिंग स्पैनर है। और ये तभी पता होगा, या तो आपके पास पीछे का कोई एक्सपीरियंस हो, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको उस फिगर को याद करना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि ये रिंग स्पैनर दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक यार वीडियो है हमारे पास, जिसमें रिफाइनरी में जनरल फिटर किन किन टूल्स का उपयोग करते हैं, तो ये वीडियो आप एक बार हो सके तो ज़रूर देख लेना, जिसमें सारे टूल्स के नाम बताए गए हैं विथ फिगर, यानी फिगर के साथ साथ आपको बताया गया है कि ये कौन सा टूल्स है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो स्पैनर है इसे कॉम्बिनेशन स्पैनर कहा जाता है। कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि इधर रिंग है और इधर ओपन एंड है, तो अगर दोनों को मिला दिया गया है तो ये कॉम्बिनेशन स्पैनर कहलाता है। ये जो स्पैनर है ये हैमरिंग स्पैनर है, किसी भी नट बोल्ट को हैमरिंग द्वारा खोलने के लिए या फिर टाइट करने के लिए हैमरिंग का यूज़ किया जाता है। ये पाइप रिंच कहते हैं इसको, पाइप रिंच के द्वारा किसी भी 2 फिटिंग्स वगैरह को आसानी से, जो निप्पल वगैरह होते हैं या फिर कपलिंग वगैरह होते हैं, उनको टाइट करने के लिए या फिर खोलने के लिए फास्टली यूज़ में इस पाइप रिंच का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये देखो, ये ओपन एंड स्पैनर है, ये
ये एडजस्टिंग स्पैनर है जिसे सलाई रिंच कहते हैं हम लोग। इसके अलावा ये तो हैमर है, सबको पता है। इसके अलावा ये देखो, ये जुम्मा कहते हैं इसको, इधर दिखाई दे रहा है जुम्मा। ये टॉर्क रिंच है, ये देख लो, ये आपका है क्या कहते हैं इसको, इम्पैक्ट रिंच कहते हैं। एयर द्वारा ये चलता है और इसके द्वारा नट बोल्ट को अगर टाइट करना हो, काफ़ी बड़े बड़े जब नट बोल्ट होते हैं तो हैमरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो हम इस स्पैनर का यूज़ कर लेते हैं जिसे इम्पैक्ट रिंच कहते हैं। देख लो ये सारी चीज़ें आएगी अभी, इम्पैक्ट रिंच के बारे में भी आगे हो सकता है क्वेश्चन आएगा, तो आप देखते जाइए। और एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना यार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें सारे टूल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो एक बार ये वीडियो भी देख लेना। मैं सारे वीडियोस का देखो बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर लिंक ना भी मिला तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना भाई, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लिस्ट आउट द मेजरिंग टूल्स, यानी जो मेजरिंग टूल्स होते हैं उसके नाम बताने हैं जिससे हम कुछ नाप तौल कर लें भाई, कि कुछ नापना हो, कुछ तौलना हो, तो उसके लिए हम कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली देखो ये काम फैब्रिकेटर का होता है, जो मेजरिंग वाला काम होता है, आपको तो केवल दे दनादन हैमर तैमर चलाना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है आपको फैब्रिकेटर के साथ लगा दिया, तो आपको टूल्स वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत ये भी जानना चाहिए किसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए आप देखो, एक स्केल होता है, मेजरिंग टेप होता है, आपसे इंटरव्यूअर पूछ दे कि मेजरिंग टूल्स के नाम बता दीजिए, तो आप सबसे बढ़िया तो स्केल बता देंगे, मेजरिंग टेप बता देंगे, इसके बाद स्प्रिट लेवल बता सकते हैं, जो भी लेवल मिलाने के लिए किसी भी फ्लैंज वगैरह का, जो फैब्रिकेटर जब काम करता है तो फ्लैंज वगैरह का लेवल मिलाने के लिए ना स्प्रिट लेवल का यूज़ करता है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का आईडी या फिर ओडी वगैरह चेक करना होता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं तो उनका आईडी और ओडी चेक करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर लेते हैं। माइक्रोमीटर का बेसिकली ज़्यादातर माइक्रो लेवल पे किसी भी चीज़ का डायमेंशन अगर लेना हो तो माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। वैसे आपको उतना इसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नाम याद होने चाहिए। अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हैमर मटेरियल शुड बी यूज्ड इन रिफाइनरी, यानी किसी भी रिफाइनरी के अंदर जब आप काम करते हैं तो जो हैमर होता है, जो हथौड़ा होता है, वो किस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। तो इसका सिंपल आंसर है ब्रास का। ब्रास एक ऐसा मटेरियल है जो स्पंज टाइप का होता है, यानी जिस चीज़ पे गया वो चिपक जाता है और वहाँ से स्पार्क जनरेट नहीं होता है, यानी चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है, जिससे फायर के चांसेस कम होते हैं। देखो यार, रिफाइनरी एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे कब कहाँ से लीक हो जाए किसी को नहीं पता, और अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सावधानी से काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि आप काम करने वाले हो, जिम्मेदारी भी आपको लेनी है और सावधानी भी आप ही को ही बरतनी है। सपोज आप कहाँ, जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे कोई नापता लाइन है और कहीं से फ्लैंज से अगर लीक कर गया और आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आपके पास ब्रास का हैमर नहीं है और लोहे का हैमर है, आप मार रहे हो, कहीं से चिंगारी पकड़ लिया, फायर हो गया, क्या करोगे वहाँ पे, किसका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा भाई। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब भी जो भी टूल्स वगैरह यूज़ करना है तो हैमर जो है बेसिकली लेना है आपको, ब्रास का यूज़ करना है, क्योंकि ब्रास से होता क्या है, वो नॉन स्पार्किंग मटेरियल है, उसमें चिंगारी वगैरह नहीं लगती है, जिससे आपको खतरा का चांस कम हो जाता है, आपको खतरा से बच सकते हो, तो इसलिए हमें ब्रास का यूज़ करना चाहिए। अगला सवाल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बफिंग व्हील मटेरियल शुड बी यूज्ड इन रिफाइनरी, यानी जब भी आप रिफाइनरी में बफिंग वगैरह का काम कर रहे हो, बफिंग व्हील जो होता है वो किस मटेरियल का होना चाहिए। देखो ऐसे तो एसएस का भी यूज़ होता है, लेकिन आपको जो प्रेफर करना है वो ज़्यादातर ब्रास का यूज़ करना है, ठीक है, ये भी ब्रास का होना चाहिए। देख लो ये ब्रास दिख रहा है भाई, इसमें बफिंग जब आप करने जाते हो तो आपको ब्रास का व्हील ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बफिंग करते हो ना, तो ये जो इसमें छोटे छोटे ये इसके वायर्स होते हैं, ये बड़ा टूटते हैं, टूट के चुभ जाते हैं, तो इसलिए आपको ना फेस शील्ड या फिर आपको गॉगल्स तो हमेशा पहनना ही चाहिए, क्योंकि अगर आँख में पड़ गया ना भाई तो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ये, तो इसके लिए ना आपको ग्लास तो ज़रूर पहनना ही चाहिए, जब भी आप बफिंग करते हो आपको ग्लास पहनना चाहिए। हम लोग काम कर रहे थे तो एक लड़का क्या किया कि बफिंग मार रहा था और उसने थोड़ा सा स्टाइल मारने के चक्कर में चश्मा को सर पे लगा लिया था, वो अचानक से एक वायर उसमें लग गया, कम से कम 15 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती था भाई, वो काम नहीं कर पाया 15 दिन तक, आँख बच गया वही काफ़ी था। तो आप ऐसी नादानी मत करना, जब भी आप बफिंग वगैरह करो तो हमेशा ग्लास का यूज़ ज़रूर कर लेना, चश्मे का यूज़ ज़रूर कर लेना। वैसे देखो बेसिकली बफिंग होता क्या है, अगर जो लोग नए हैं उनको बफिंग के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, कि बफिंग क्या होता है भाई, तो बफिंग किसी भी इक्विपमेंट का जो वेल्डिंग ज्वाइंट्स होता है ना, उसको
क्लीन किया जाता है। एक तरह से बफिंग एक तरह से क्लीनिंग प्रोसेस है, आप उसको क्लीनिंग प्रोसेस कह सकते हो, कि जो भी वेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं या फिर जहां पे भी रस्ट लगा होता है जिस भी वेल्डिंग ज्वाइंट पे, उसको क्लीन किया जाता है ताकि जो एनडीटी वाले टेस्ट वाले जो बंदे होते हैं वो आके उसका एनडीटी टेस्ट वगैरह, जैसे डाया पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह करना होता है ना उनको, तो उसके लिए जो ज्वाइंट्स होते हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी वेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं उस पर जो रस्ट वगैरह लगा होता है उसको हटाना होता है। एक तरह से बेसिकली क्लीनिंग प्रोसेस है, क्लीन करना होता है। बफिंग का मतलब दैट्स इट, कुछ नहीं, केवल क्लीनिंग समझ लो कि क्लीन करना होता है हमें, जो भी वेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम बफिंग करते हैं और कुछ नहीं। चलो अगला सवाल है, व्हाई वी यूज प्रेशर गेज, यानी प्रेशर गेज हम क्यों यूज करते हैं, प्रेशर गेज बेसिकली हम यूज क्यों करेंगे, हमें प्रेशर देखना होगा यानी प्रेशर चेक करने के लिए हम प्रेशर गेज यूज इस्तेमाल करेंगे। सो टू नो द प्रेशर, यानी किसी भी इक्विपमेंट में कितना प्रेशर है ये बताने के लिए प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स इट और कुछ नहीं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो वैसे ये इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल बंदा हो जैसे, या फिर अगर आप हो सकता है कि फोरमैन वगैरह के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछ भी ले। मैं बोला था ना कि देखो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे यहाँ से। देखो थोड़ा सा ईगो को उतार देना, दूर रख देना, थोड़ा सा घमंड मत करना कि मुझे सब कुछ पता है। देखो यार मुझे भी पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से थोड़ा कुछ आपको मिल ही जाए यार। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा हो सकता है किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछ दे कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, और आपको वहाँ पे याद आ जाए कि अरे यार हाँ सोनू भाई तो बता रहे थे कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI। तो हो सकता है आप PSI भी बता दोगे ना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है आप काम किए हुए हो। टेक्निकल बंदा उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए बस इंटरव्यूअर को। तो आप प्रेशर का यूनिट आप बता दोगे कि PSI होता है, या फिर KG पर स्क्वायर सेंटीमीटर आप बता दोगे। एक बार देखो यहाँ पे ये जो आपका प्रेशर गेज है ना, इसमें देखो PSI लिखा हुआ है, ये बेसिकली यूनिट ही आपको बताता है, या फिर किलो पास्कल लिखा हुआ है, ये भी, ये KG जिसको कहते हैं, ये KG या ये PSI, दोनों यूनिट में इसको मेज़र किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है। तो बेसिकली प्रेशर का जो यूनिट होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच यानी PSIG, या फिर KG पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। चलिए अब देखो आ गया ना क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज इम्पैक्ट रिंच, इम्पैक्ट रिंच क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे अभी टूल्स में बात कर रहे थे ना इम्पैक्ट रिंच के बारे में, वही इम्पैक्ट रिंच है। तो देखो इम्पैक्ट रिंच होता क्या है, यूज फॉर टाइटेनिंग एंड लूजनिंग ऑफ बोल्ट्स नट, यानी जो भी नट बोल्ट होते हैं उनको टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए हम इम्पैक्ट रिंच का यूज करते हैं। चलो आपको एक फोटो भी दिखा देते हैं, यहाँ फोटो पड़ा है हमारे पास, ये देखो एक गन की तरह होता है यार, बंदूक की तरह होता है इम्पैक्ट रिंच। हाँ गोली मारने वाला नहीं है ये, नट बोल्ट टाइट करने वाला है। यहाँ पे आपका एक चकनट लगता है, जो भी नट होता है, जैसे आपका आपके पास 54 का है, 60 का नट है, तो जो भी उस नट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे चकनट आपका आता है, उस चकनट को आप लगा करके, और ये देखो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे, ये जो है पोर्शन, यहाँ से आप एयर होस लगा दोगे, एयर होस कनेक्ट कर दोगे, ये बेसिकली एयर से ही चलता है। तो यहाँ पे होस कनेक्ट कर दोगे, और ये देखो यहाँ पे ये बंदूक का ट्रिगर है, ये ट्रिगर दबाओगे यहाँ पे तो ये चलने लगेगा। और भाई एक चीज़ और, यहाँ पे प्रेशर, एयर प्रेशर चलता है, यहाँ पे झटका बहुत मारता है ये पीछे की तरफ, बंदूक की तरह ही झटका मारता है। तो आपको ना थोड़ा सा सावधानी रखना है, या फिर जब भी आप काम करें तो अलर्ट रहें, यानी आप थोड़ा सा चौकन्ना रहें, ताकि झटका मारने पर अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो छटक जाएंगे, अगर पीछे की तरफ धक्का लग गया, गिर गए, हाइट पे काम कर रहे हैं और कहीं गिर गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी बेल्ट बताया था, सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करना आप काम करने के टाइम। तो ये होता है भाई आपका इम्पैक्ट रिंच, जिसके द्वारा हम किसी भी नट बोल्ट को आसानी से टाइट कर लेते हैं, हैमर चलाने की जरूरत नहीं होती है, बस यहाँ से आप एयर होस कनेक्ट कर देना। अब देखो आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, इम्पैक्ट रिंच ऑपरेटेड बाई विच गैस, किस गैस के द्वारा हम इम्पैक्ट रिंच को चलाते हैं या फिर चलता है। तो सिंपली लिखा हुआ है ना, ड्रिवन बाय एयर, यानी हवा के द्वारा हम किसी भी इम्पैक्ट रिंच को चलाते हैं, यहाँ से हवा जो होता है यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। तो सिंपल आंसर है इसका, ड्रिवन बाय एयर, यानी हवा से चलता है। अगला सवाल हमारे पास आता है कि विच इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर वेंटिलेशन ऑफ वेसल एंड टावर, यानी जब भी वेसल या फिर टावर के अंदर वेंटिलेशन का यूज करना हो, या फिर हीटर में भी जब वेंटिलेशन करना हो, तो किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है।
तो सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है तो ये है हमारा एग्जॉस्ट फैन। बड़ा भारी होता है यार, 2-3 लोग लग जाते हैं इसको उठाने के लिए, और फिट करना होता है इसमें। देखो ये डायरेक्शन दिया होता है कि किस तरह से बाहर की ओर हवा ये एग्जॉस्ट करेगा, फेंकेगा, तो उस हिसाब से ही एरो वाले जो निशान होता है ना वो बाहर की तरफ लगाया जाता है। तो एक बार देख लेना आप, इस पर इधर ही कहीं दिखा रहता है, और ये भी एयर के द्वारा ही चलता है। इसमें एयर होस कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन यहाँ पे दिया रहता है, जहाँ से एयर होस को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके द्वारा ये चलता है, गोल गोल घूमता है। और इसके द्वारा क्या होता है, अंदर की जो भी गैस है या फिर हवा है उसको बाहर निकाल के फेंक देता है, जो भी डस्ट वगैरह है उसको बाहर निकाल देता है हमारे इक्विपमेंट से, ताकि हम आसानी से उस इक्विपमेंट के अंदर जा करके काम कर पाए। तो ये एग्जॉस्ट फैन हो गया, और ये इडुक्टर कहते हैं, या फिर जिसे इजेक्टर कहते हैं, ये वेंचुरी इडुक्टर कहते हैं इसको, इजेक्टर भी कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप, जैसे रिएक्टर वगैरह हो गया, या फिर जो आप वेसल वगैरह में काम करते हैं, तो जो टॉप वाला मैनवे होता है उस मैनवे के ऊपर इसको ऐसे लगा दिया जाता है। जो भी आपका ये मैनवे हो गया, जैसे ये आपका वेसल हो गया, तो यहाँ पे ये मैनवे हो गया ना, तो यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है ऐसे करके। और यहाँ से इसमें भी एयर होस, ये देखो एयर होस कनेक्ट करने के लिए जगह दिया रहता है, एयर होस कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो इक्विपमेंट है इसमें का अंदर का हवा, सारा जो डस्ट वगैरह होता है वो सबको निकाल के बाहर फेंक देता है ऐसे। तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, एक दोस्त के नाते, एक फ्रेंड के नाते, एक भाई के नाते, कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली और भी जो वीडियोस होगी ना वो इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगी भाई। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और लाइक तो करना ही, और एक बढ़िया सा कमेंट भी मार देना वीडियो पे, कैसी लगी है आपको। बहुत मेहनत से बनाई है, और अब वो वक्त आ गया है जब आपको बता दूं मैं पीडीएफ कहां से मिलेगा। देखो ये लिंक दिखाई दे रहा है यहां पे आपके पीडीएफ में, यहां पे वीडियो में तो खैर नहीं कर पाओगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ये साइट याद कर लो, या फिर आप अबाउट वाले सेक्शन में चले जाओ, अबाउट वाले सेक्शन में आपको ये साइट का नाम मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ ये लिंक। ये यहाँ पे चेक करते रहना, 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड करवा दूंगा पीडीएफ को, जैसे भी हो सकता है। और भाई चैनल को यहाँ से शेयर कर दो यार, जो भी नए लोग हैं नए लोग तक शेयर करो इस चैनल को, ताकि आपके भाई का जो वीडियोज़ है वो काफ़ी लोगों को मदद हो सके आगे बढ़ने में। आगे जो लोग इंटरव्यूज़ वगैरह देने आए, या फिर देना चाहते हैं, या फिर जो लोग आगे बाहर वगैरह जाना चाहते हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इन वीडियोज़ के ज़रिए। ठीक है, तो देखो भाई, आते जाते आपके लिए एक शेर भी यहाँ पे लिखा है, कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। तो अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अपने आप को पहचानो और एक अलग रास्ता बनाओ भाई, एक अलग रास्ते पर चलने की शुरुआत करो। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।